तो ऑब्जेक्टिव शीट देखो जरा, इसका ऑब्जेक्टिव शीट नंबर वैसे 32 है, वैसे होने 29 चाहिए थी, नंबरिंग गलत हुई है, कोई बात नहीं। सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट, बोलो क्या? ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ठीक, वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर टू का आंसर निकालो, कर लिया सॉल्व अभी तो? मैंने ये सिखाया था कि इनको इकट्ठा कर लो 6 kg, और 6 kg का कोऑर्डिनेट क्या रखना है, 2,2,2, और एक 4 kg का और मास जो लास्ट टाइम किया था, और इसका कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, सच दैट इन सब का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर शिफ्ट हो जाए, यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम सब्जेक्टिव में किया था। तो इसका कोऑर्डिनेट 6 kg का एक ही कोऑर्डिनेट ले लो, 4 kg का निकालना है, सेंटर ऑफ मास 0,0। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगाएंगे, 6 × 2 + 4 × x / 6 + 4, और सेंटर ऑफ मास का ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। उसी तरीके से वाई सेंटर ऑफ मास की वैल्यू भी यहाँ पर गिवन है, 0 = 6 × 2 + 4 × y1 / 6 + 4, और ऐसे जेड निकाल लेना। मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, दिख ही रहा है वो तो, आप जब फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो अपने आप पता लग ही जाएगा इसमें, तो पॉइंट समझ में आ रहा है, ऐसे जेड निकाल लेना है। लास्ट टाइम भी ऐसा क्वेश्चन हमने किया था सेम। क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, हाँ, 3 ब्रिक्स, ठीक है, नहीं वर्टिकल तो पूछ ही रहा, वो तो एक्स एक्सिस पूछ रहा है दीवार से कितनी दूर है, वाई एक्सिस लेने की जरूरत ही नहीं है इसमें, सेम है वो, आइडेंटिकल ब्रिक्स है ना, 3 ब्रिक्स है, नहीं डिस्टेंस अलग अलग लेना है पर मास आइडेंटिकल दिख ही रहा है शक्ल से, लेंथ ब्रेड सब सेम ही तो है, तो MMM ले लेना है मास सबका, मास सबका सेम लेना है, और डिस्टेंस पे कोऑर्डिनेट चेंज होंगे इसके, क्या कह रहे थे? हाँ वाई कोऑर्डिनेट पूछा ही नहीं उसने, पूछा एक्स कोऑर्डिनेट है दीवार से कितना दूर है, वाई में सॉल्व ही मत करो, एक्स में करो। सेंटर ऑफ मास दीवार से कितनी दूर है, दूर का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट ही निकाल लो ना, वही तो कह रहा हूँ, वाई निकालने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा ठीक है, एक एक करके आंसर दो, मुझे सिर्फ एक चीज़ बताओ, इसके अंदर इमेजिन कर लेते हैं कि ये ओरिजिन है, ठीक, उसने पूछा कि एक के ऊपर एक, के ऊपर एक ब्रिक रख दी, तीनों का सेंटर ऑफ मास दीवार से कितनी दूर है, उसने ये नहीं पूछा ग्राउंड से कितना ऊपर है, अगर वो पूछता ग्राउंड से कितना ऊपर है तो वाई कोऑर्डिनेट भी बताना पड़ना था, उसने पूछा दीवार से कितना दूर है तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। तो एक काम करते हैं, ये ब्रिक के अंदर मास, उसने बोला ये नॉन यूनिफॉर्म है तो एज्यूम्ड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका मास कहां पर पड़ा होगा, इसके सेंटर ऑफ मास पे, इस ब्रिक का मास कहां पर पड़ा होगा, इसके सेंटर ऑफ मास पे, और इसका मास कहां पर पड़ा होगा, इसके सेंटर ऑफ मास पे, और मुझे क्या करना है, इन तीनों के सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ब्रिक से, मुझे बस ये बताओ कि अगर टोटल लंबाई इसकी एल है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, L/2, भाई यहां से L/2 सही है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, L/2, मुझे वाई कोऑर्डिनेट में पूछा ही नहीं क्वेश्चन, तो मैं वाई कोऑर्डिनेट निकाल लूंगा ही नहीं, मैंने वाई वाई लिख लिया, छोड़ दो, चाहिए नहीं मुझे, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, L/2, समझ में आ रहा है, उसने पूछा सेंटर ऑफ मास वॉल से कितनी दूर है, वॉल से कितनी दूर ऐसे डिस्टेंस आएगा, तो एक्स है, हाइट नहीं पूछ रहा, दूर पूछ रहे, तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, L/2, y1। नेक्स्ट, अब ये बताओ कि ये सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, एक्स कोऑर्डिनेट, एल बनेगा, कितने लोग बोलते हैं एल बनेगा, एल बनेगा, रीजन देखो, अगर ये ब्रिक एग्जैक्टली इसके ऊपर होती तो इसका सेंटर ऑफ मास भी L/2 पे होता, पर आपने इसको कितना
सरकादिया आगे की तरफ एल बाई टू, तो ऑब्वियसली ये सेंटर ऑफ मास कायदे से यहाँ होना चाहिए था दीवार वॉल के ऊपर, ये ब्रिक के ऊपर ब्रिक अगर होती, आपने इसका मतलब इसको एल बाई टू हिलाया तो सेंटर ऑफ मास भी एल बाई टू आगे चला गया, तो इसको कोऑर्डिनेट क्या बन गया, एल बाई टू प्लस एल बाई टू यानी कि एल कॉमा वाई टू, वाई टू तो छोड़ो क्या करना है, एल कॉमा जीरो क्लियर, एल कॉमा वाई टू क्लियर है, दीवार से सेंटर ऑफ मास की दूरी एल बाई टू तो थी थी, ये आगे कितनी चलेगी ब्रिक, एल बाई टू, तो एल बाई टू प्लस एल बाई टू। अब इसकी बात करें फाइव एल बाई टू कैसे, देखो ये अगर ब्रिक बिल्कुल यहां पे होती तो ऑब्वियसली एल बाई टू तो आंसर था ही था, पर ये आगे की ब्रिक शिफ्ट हुई फिर ये और आगे शिफ्ट हो गई, तो इसका सेंटर ऑफ मास की दूरी यहां से होगी एल बाई टू प्लस ये कितना आगे की तरफ है एल बाई टू प्लस ये कितना आगे की तरफ है एल बाई फोर कॉमा वाई थ्री। भैया दीवार से एल बाई टू प्लस एल बाई टू प्लस एल बाई फोर दूर चल, ये तो तीसरी ब्रिक जो है वो तो दोनों से भी आगे पार चली गई, तो दोनों के डिस्टेंस तो उसमें ऐड होंगे ही होंगे, साथ में अपना भी एल बाई फोर ऐड हो गया इसमें, राइट क्लियर है यहाँ तक, वाई मुझे चाहिए ही नहीं। तो अब एक काम करते हैं एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं इसका, मास एम इंटू एल बाई टू, सेकेंड ब्रिक का मास इंटू एल बाई टू प्लस एल बाई टू जो कि एल है, थर्ड ब्रिक का मास है एल बाई टू प्लस एल बाई टू प्लस एल बाई फोर डिवाइडेड बाई एम प्लस एम प्लस एम, चेक करो आंसर क्या आ रहा है, इलेवन ये आंसर आ रहा है, सॉल्व करके आंसर आ रहा है, मेथड समझ में आ रहा है क्या करना है। तो आपने शिफ्ट निकाल लेना है सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे वॉल से एल बाई टू, अगला एल बाई टू प्लस एल बाई टू, अगला एल बाई टू प्लस एल बाई टू प्लस एल बाई फोर, बस वो उसके एक्स कोऑर्डिनेट होते गए, फिर आपने आंसर की वैल्यू निकाल ली। ठीक है यहाँ तक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, कितना आंसर है नन, वैसे आंसर क्या आ रहा है 2.5 की 12 बाई 5, ओके तो 2 केजी की बॉडी है एंड 3 केजी की बॉडी है, दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं और इसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, 3 kg की 2 मीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालनी है, तो m1 into v1 प्लस m2 into v2 by m1 प्लस m2 नन आ रहा है, इसमें कोई आंसर मैच नहीं करेगा आपका, मेथड समझ में आ रहा है क्या करना है, m1 v1 m2 v2 by m1 प्लस m2 कैसे यूज करना है, ठीक है यहाँ तक। देखो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फिर भी इजी है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फिर भी इजी है क्योंकि सेंटर ऑफ मास सेंटर पे मिलता है, सिर्फ कोऑर्डिनेट ढूंढ के काम चलता है। नॉन यूनिफॉर्म के अंदर आपने लास्ट टाइम देखा था ना वो मास इंटीग्रेशन ऑफ dm इनटू x बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, वो सारा कॉन्सेप्ट लगता है इसमें, आएंगे वो भी क्वेश्चन बीच बीच में से आएंगे, पर अब हमने वो टेक्निक तो सीख ही ली तो वहाँ से ईजी हो जाएगा, बट ये समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे करना है। जैसे फोर्थ के बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के अंदर चार पार्टिकल्स हैं, तो ये चार पार्टिकल ले लेते हैं, एक पार्टिकल 1 केजी का है, दूसरा 2 केजी का है, तीसरा 3 केजी का है और चौथा 4 केजी का है, आर प्लेस्ड एट कॉर्नर्स ए बी सी एंड डी ऑफ अ स्क्वायर। ओ ये क्वेश्चन हो नहीं सकता इसमें ना, वो साइड नहीं, साइड अगर करना है तो 1 मीटर लेके कर लो फिर शायद आंसर आ जाए, तो फिर आंसर आएगा 1 मीटर 1 मीटर ले लेना। करना कैसे है तो बता दो, पहला स्टेप कोऑर्डिनेट्स का, पहला कोऑर्डिनेट क्या लूँ, हाँ 0,0, तो यहाँ से स्टार्ट करना है 0,0 के साथ, तो ये कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 1,0, ये बनेगा 0,1 और ये बनेगा 1, बस अब लगा लेना m1 x1 m2 x2 m3 x3 m4 x4 by m1 plus m2 plus m3 plus m4, सी ऑप्शन आएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या करना है, कोऑर्डिनेट लेके कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन,
फिफ्थ के बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमने लास्ट टाइम किया था सेंटर ऑफ मास की एक्सलेशन निकालनी है। हाँ तो ए ऑप्शन नहीं है क्या? मैं समझा नहीं कैसे। हाँ हाँ सेम होती है। तो इसका मेरे ख्याल से लास्ट टाइम शॉर्टकट किया ही था हमने, पुलिस सिस्टम में अगर सेंटर ऑफ मास की एक्सलेशन निकालनी है तो इसका क्या लेना होता है, होल स्क्वायर। तो नोट किया था, सीधा ऑप्शन ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन हमने किया था HCl मॉलिक्यूल वाला क्वेश्चन, जो बुकलेट में HCl मॉलिक्यूल करवाया था ना हाइड्रोजन क्लोरीन, वैसा ही है ये। इसका आंसर पर मैंने तो नहीं करवाया असाइनमेंट में, ये किसमें किया? अच्छा होमवर्क में था, अच्छा वो मैंने चेक नहीं किया, ठीक है वो हो सकता है। आपने मासेस क्या लिए? हाँ ठीक है ठीक है, तो होमवर्क जिन्होंने किया हुआ उनको फायदा हो रहा है। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो एक कार्बन है, कार्बन का मास ले लो 12 m और ऑक्सीजन का ले लो 16 m, या 16 ले लो, 12 और 16 एक ही बात है ठीक है। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है 1.130 एंगस्ट्रॉम है, इनका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन बताना है क्या है। तो मान लो x है, तो मान लो ये x कोऑर्डिनेट है, तो आप इसमें एक काम करें, इसको आप ओरिजिन मान लें, जैसे मैंने सिखाया था 0.0। सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आपने निकालना है, ये लो ये आपको निकालना है, y कोऑर्डिनेट इसका 0 है ठीक है, ये लो ये एक सेंटर ऑफ मास है और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 1.130.0। तो x कोऑर्डिनेट निकाल लिया, अब x सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा लें, m1 x1 करके m2 into x2 करके डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो m1 की जगह 12 m पुट करें जिसका कोऑर्डिनेट x का 0 है, फिर 16 m पुट करें जिसका कोऑर्डिनेट 1.130 है, फिर 12 m प्लस 16 m यूज़ करें। तो क्या आंसर आ रहा है? सी ऑप्शन मार्क कर लें, m से m सब कैंसिल हो जाएगा आंसर, राइट क्लियर है यहाँ तक? ऐसे किया था ठीक है। मैंने तो होमवर्क दिया ही नहीं कुछ भी, मैंने होमवर्क तो नहीं दिया, किया सब्जेक्टिव असाइनमेंट क्वेश्चन था ये, एनसीईआरटी वाली सब्जेक्टिव। नेक्स्ट सेवेंथ के बाद क्वेश्चन नंबर एट डी ना सी है, सी कैसे? इसमें ऐसा करना है, सेंटर ऑफ टू पार्टिकल मास, देखो m1 है m2 है, ये सेंटर ऑफ मास है। आपको लास्ट टाइम मैंने एक शॉर्टकट करवाया था, सेंटर ऑफ मास से इनकी दूरी x1 x2 है, तो m1 into x1 is equal to m2 into x2 यही करवाया था, यानी कि m1 यानी कि x1 by x2 is equal to m2 by m1, यानी कि x जो है inversely proportional to mass की ratio में distance डिवाइड होता है। तो ये रहा inversely ratio of mass, तो distances हैं वो mass के inversely proportional रहते हैं। क्या ये point यहाँ तक clear है? कोई doubt इसमें? ये वाला concept किया नहीं था हमने last time कि अगर सेंटर ऑफ मास है, भारी बंदे का डिस्टेंस कम होगा, हल्के बंदे का ज़्यादा होगा, तो m1 x1 m2 x2, यानी कि m into x इज अ कॉन्स्टेंट, यानी कि x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मैं भी तो बोल रहा हूँ इन्वर्स ऑफ मास, यार तुम और मैं झूले में बैठेंगे मास सेम कैसे होगा? उसने बोला ही नहीं, टू पार्टिकल सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि हमेशा मास सेम होगा। चलो सेम कर लो, सेम कर लो तो x1 x2 के बराबर आ जाएगा, तो कोई बात नहीं। अगर ना हुआ तो फिर इन्वर्सली हो जाएगा। ये तो एज्यूम्ड है कि अगर वो इन्वर्सली बोल रहा है
तो आप मत करो, कोई बात नहीं, आप ये ले लो। मैंने बोला ही नहीं कि तुम्हारा और मास हम इक्वल लेंगे या अनइक्वल लेंगे, छोड़ दो, ये तो समझ में आ रहा है। तो मैथमेटिकली एम इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास एक्स के साथ आंसर। तो इसमें नेक्स्ट है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर कितने सी बोला, सी है पक्का, लग तो सी रहा है, सी ही है। जब जब गोली चलेगी गन पीछे आएगी, सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पे था तो सेंटर ऑफ मास बाद में भी रेस्ट पे रहेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो डराने के लिए ऑप्शंस, करने के लिए थोड़ी ना, आंसर जीरो ही है। सेंटर ऑफ मास ना मूव करेगा, ऐसे अगर बॉम्ब फट रहा है वो ऐसे ही बातें करेगा, बॉम्ब पड़ा हुआ था रेस्ट पे फिर फट गया, एक एक्स में गया पार्टिकल, एक वाई में गया, फिर ऐसे गया वैसे गया, बोलो सेंटर ऑफ मास का क्या हुआ, कुछ ना हुआ, वो पहले भी रेस्ट पे था बाद में भी रेस्ट पे ही पड़ा रहेगा, कहानियां सुनाता रहेगा तुम्हें, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट, टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस, इसका आंसर जीरो आ रहा है, जीरो। तो एक मास है एम वन कितना 2 kg, दूसरा मास कितना है 4 kg, वेलोसिटी वी वन की वैल्यू कितनी है 20 और वी टू की वैल्यू कितनी है 10, लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन एक ऐसे और एक ऐसे मूव कर रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 2 × 20 − 4 × 10, ये याद रखना क्योंकि एक आगे जा रहा है और एक ऑपोजिट आ रहा है। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कोलिजन के अंदर भी किया था, अगर मोमेंटम एक राइट है एक लेफ्ट है तो लेफ्ट वाले को नेगेटिव मार्क करना पड़ेगा, तो नेट आंसर ऑटोमेटिकली क्या आ गया, जीरो, ठीक है यहां तक। तो मैथमेटिकली सॉल्व हो गया, m1 v1 + m2 v2 / m1 + m2। सर बोलो, इसमें एक चीज और लगा सकते हैं, जो m1 x1 वाला आपने कराया था, m1 x1 = m2 x2, उसको अगर हम दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दे तो m1 v1 = m2 v2 हो जाएगा, तो उससे भी जीरो आ जाएगा। ये कर सकते हैं, m1 v1 का प्रोडक्ट m2 v2 के इक्वल है, मोमेंटम कंजर्व ही लग रहा है इसमें, मतलब यस सर, हां तो वहां से नेट मोमेंटम जीरो होगा, कर भी सकते हैं, कर सकते हैं, दो तरीके हैं। नेक्स्ट, डी चेक करते हैं, डी शायद डी पता नहीं, देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर थी आइडेंटिकल फेयर ऑफ मास एम, ये रे, ये एक, ये दो और ये तीन, ध्यान आगे प्लीज, तीन फेयर्स हैं ऑफ मास एम। तो ये सबसे पहला काम ओरिजिन लेना, 0, 0 ऐसे एंड ऐसे एक्स और वाई एक्सेस, ठीक है। तो आपको ये गिवन है और साइड 2 मीटर, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये पहला इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है, ये दूसरी है और ये तीसरी है ऐसे। तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, ये 0, 0 क्योंकि साइड 2 मीटर है, तो ये 2, 0 आएगा। अब ये 2 मीटर तो आधा कितना आएगा, 1 मीटर, तो ये 1 आएगा, और कॉमा ये y है, ये 60 डिग्री है, तो मैंने आपको हमेशा सिखाया, और ये डिस्टेंस भी 2 मीटर है, तो साइन ऑफ 60 की वैल्यू क्या आएगी, y डिवाइडेड बाई 2, y आएगा 2 × sin of 60, तो यहाँ पर आएगा 2 × sin of 60। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, क्लियर है यहाँ तक। सबका मास mmm है, तो आप इसमें x सेंटर ऑफ मास निकाल लेना, m × 1st कोऑर्डिनेट, m × 2nd कोऑर्डिनेट, m × 3rd कोऑर्डिनेट, m + m + m, ऐसी y कोऑर्डिनेट निकाल लेना, m × y का कोऑर्डिनेट, m × y का कोऑर्डिनेट, m × y का कोऑर्डिनेट, डिवाइडेड बाय m + m + m। जो भी आंसर आएगा इसके पीछे i कैप लगा देना और इसके पीछे j कैप, दोनों को ऐड कर देना, चेक करो आंसर d आ रहा है क्या, d आएगा, ओके। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या करना है इसमें, कोई डाउट इसमें, पॉइंट क्लियर है यहां तक? एक्सक्यूज मी सर, बोलो सर, इसको वेक्टर में क्यों लेंगे? वेक्टर में यार r1 वेक्टर, r2 वेक्टर मुश्किल हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ढूंढ के एंड में i कैप j कैप करो, ज्यादा आसान नहीं लग रहा, मतलब अननेसेसरी तुम r1 वेक्टर ढूंढोगे, r2 वेक्टर ढूंढोगे, फिर m1 r1 वेक्टर, m2 r2 वेक्टर लगाओगे, ये ज़्यादा आसान है।
ओके सर। कोऑर्डिनेट एक मिनट में ढूंढ लिए, बात ही खत्म, हाँ जी आ रहा हूँ। चेक करता हूँ एक मिनट। क्लियर है यहाँ तक? नहीं, लास्ट टाइम किया था ये क्वेश्चन, याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा, यही किया था, सेम क्वेश्चन था। बुकलेट खोल ले, तीन स्फेयर्स हैं, तीन स्फेयर का मास उनके सेंटर पे है, याद आ रहा है? लास्ट टाइम किया था ऐसा क्वेश्चन हमने, बुकलेट खोल लो, मतलब मेरे पास तो प्रूफ भी है किया था। देखो तो इसके अंदर आपने इसको सेंटर ले लेना है, तो इसका कोऑर्डिनेट 0.0 है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, हर की साइड 2 मीटर है, तो इसका एक्स एक्सिस पे 2.0 आ जाएगा, और ये कोऑर्डिनेट है, अगर ये 2 मीटर है तो आधा 1 मीटर है, तो 1, और ये राइट एंगल ट्रायंगल से अगर 2 मीटर तो वाई तो निकाल ही लोगे, पुट कर दो m1 x1 m2 x2 m3 x3 में पुट करवा। सर पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या कर रहे हैं इसमें? कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th में तीन मासेज हैं आर प्लेस एट पॉइंट गिवन, तो ये तो आसान है, इसमें m1 x1 m2 x2 हो जाएगा। अच्छा करेक्शन है 3/5 और 4/5, अच्छा ठीक है करेक्शन कर लेना मुझे, 3/5 और 4, अच्छा 5 आएगा, 3/5 एंड 4/5 कर लेना प्लीज़, बाकी आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है। ये फिगर बना लो प्लीज़, असाइनमेंट में मिसिंग है, ये फिगर बना लो, इसका आंसर करो। तो 10 kg, 20 kg, 30 न्यूटन, तो एक बात तो पक्की है, एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगी 30 डिवाइडेड बाय टोटल मास 10 प्लस 20, तो यानी कि 1 m/s² सेंटर ऑफ मास की एक्सेलेरेशन है। ठीक है, और आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है, तो s = 0 + ½ एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास t² लगा लेना, s = ½ × 1 × 2² आंसर 2 मीटर इज द आंसर, तो 2 सेकंड में सेंटर ऑफ मास 2 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा आंसर। तो आपको इंडिविजुअल करना ही नहीं है, इसके अंदर आपको सेंटर ऑफ मास की एक्सलेशन निकाल के s = ut + ½ at² लगा के ऐसा आ जाएगा। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट है, इसका आंसर क्या है? डी, वो कह रहा है कि अ बॉम्ब ट्रेवलिंग इन अ पैराबोलिक पाथ अंडर ग्रेविटी एक्सप्लोड इन मिड एयर, मतलब बॉम्ब फटे या ना फटे सेंटर ऑफ मास तो पैराबोलिक पाथ ही फॉलो करेगा ही करेगा, तो डी ऑप्शन है, तो पैराबोलिक पाथ ही फॉलो करेगा जब वो अनएक्सप्लोर्ड है, जैसा तब करना था ऐसा अब भी करेगा, डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, टू बाई फाइव आ रहा है, तो किया था हमने सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल, तुम इन तीनों को ना ऐड कर लो, कितना आएगा 6g,
6 ग्राम आएगा, और वो कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है इनका, ओरिजिन पे, तो यानी कि 6G कहाँ पर पड़ा हुआ है, ओरिजिन पे। फोर्थ पार्टिकल है 4G जिसका कोऑर्डिनेट मुझे निकालना है, और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ आना चाहिए, 1, 2, 3 पे, तो ये आना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। तो ये हमने किया भी था, एक सेंटर ऑफ मास की वैल्यू 1 क्या आएगी, 6 × 0 + 4 × x1 / 6 + 4, यहाँ से सॉल्व करके x1 निकाल लेना। फिर ऐसी y सेंटर ऑफ मास की वैल्यू 2 = 6 × 0 + 4 × y1 6 + 4, सॉल्व करके y1 निकाल लेना, ऐसी z1 निकाल लेना, तीनों को ऐड कर लेना, जो x1 निकलेगा उसके पीछे i कैप लगा लेना, y1 निकलेगा j कैप लगा लेना, z1 निकलेगा k कैप, इसको कंपेयर कर लेना इसके साथ, कुछ कॉमन निकलेगा, जब आंसर आएगा 5/2 कॉमन निकलेगा, 2/5, ओके 2/5 कॉमन निकलेगा, तो 2/5 आंसर है इसका, मैं वो ठीक है, 5/2 आंसर है, ठीक है 5/2 कॉमन निकलेगा, 5/2 आंसर है। तो समझ में आ रहा है करना कैसे है, तो पहले आप x1 x2 और x1 y1 और z1 निकालें, आपको अपने आंसर पता लगेगा। ए पैरेललोग्राम की साइड ए है, एंगल 60 डिग्री है, ईच पता नहीं, इच साइड ही होना चाहिए, चलो मैं डायग्राम बना देता हूँ। देखो साइड होगा इसमें, इसमें ऐसा क्वेश्चन है, फोर पार्टिकल्स हैं, आप ये फिगर बना लो प्लीज़ इसके लिए, 16th क्वेश्चन के लिए फिगर बना लो। तो इसमें ऐसे बनाओ, ये मान लो एक पैलोग्राम है, ये लो ये पैलोग्राम है, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, एक मास पड़ा हुआ है एम, एक मास पड़ा हुआ है 4m, एक मास यहाँ पर पड़ा हुआ है 3m, और एक मास पड़ा हुआ है यहाँ पर 2m। तो ये जो एंगल है ये गिवन है 60 डिग्री, तो एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ऐसे, ये ला ये साइड ए है, ये साइड ए है, और ये साइड भी ए है, ए है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है कहाँ पे होगा, तो मुझे सिर्फ कोऑर्डिनेट्स बताओ, उसके बाद आंसर आएगा। चलो कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, सबसे पहले जब हम कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं, ठीक कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं, तो चलो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, मान लेते हैं किस पे पड़ा हुआ है, एट ओरिजिन 0, 0, तो ये क्या बनेगा, ए कॉमा 0, ठीक है 0, 0, a, 0, राइट। ये अगर ए है, ये 60 डिग्री है, तो ये साइड क्या बनेगी, ए साइन 60, ये बात समझ में आ रही है सबको, इधर ध्यान से ये देखो, इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन 60 किसके इक्वल है, वाई डिवाइडेड बाई ए, तो वाई क्या आएगा, ए साइन 60, राइट एंगल ट्राइंगल से अगर ये डिस्टेंस ए है तो निकाल लोगे वाई ए साइन 60, तो और ये वाली साइड क्या आएगी, ए कॉस 60, कॉस इसमें कॉस 60 लगा लेना, कॉस 60 इज इक्वल टू एक्स बाई ए, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए कॉस 60, तो बेस आ जाएगा ए कॉस 60, और हाइट आ जाएगी ए साइन 60। तो अब आपको 2m का अगर कोऑर्डिनेट निकालना है, 2m का x कोऑर्डिनेट तो देखो यही है ना नीचे वाला, इसमें इसमें कोई फर्क नहीं, तो क्या आएगा, a इंटू कॉस ऑफ 60, a कॉस 60, और हाइट क्या है इसकी, a साइन 60, ये लो ये इसका कोऑर्डिनेट आ गया, a कॉस 60 a साइन 60, कोई डाउट इसमें, मैथ चल रहा है, फिजिक्स तो है ही नहीं है इसमें, तो चैप्टर में है ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से यूज हो रही है, कोऑर्डिनेट तो निकाले जा रहे हैं, तो समझ में आ रहे हैं यहाँ तक,
नेक्स्ट इसका कोऑर्डिनेट बोलो क्या आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा उसका, इस फिगर में क्या आएगा बिना सॉल्व किए, ए प्लस ए कॉस 60। सही, देखो ये साइड ए है और ये साइड कितनी है, ए कॉस 60, हमें टोटल साइड निकालनी है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ए प्लस ए कॉस 60, सही है जितना भी आएगा। और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, इसका वाई कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली यही तो है, कितना, ए साइन 60। चलो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, एक्स फोर वाई फोर, एम वन एम टू एम थ्री एम फोर। तो लगाओ फॉर्मूला, एक्स कोऑर्डिनेट का सेंटर ऑफ मास का, एम वन एक्स वन एम टू एक्स टू एम थ्री एक्स थ्री एम फोर एक्स फोर अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस एम फोर। ऐसी वाई कोऑर्डिनेट लगाओ और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मैच करो किसके साथ मैच कर रहे हैं, और अगर वेक्टर फॉर्म में है तो एक्स कोऑर्डिनेट जो भी आएगा उसके पीछे आई कैप लगाना और वाई कोऑर्डिनेट जो भी आएगा उसके पीछे जे कैप लगाना। लगाओ साइड बी आ रहा है, ओके करो जरा ट्राई। आ गया कितना आंसर है एबीसीडी में से, बी, कितनों का बी आ गया इसमें, कैलकुलेशन थोड़ी तेज करनी है गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। मेथड सबको समझ में आ गया क्या करना है इसमें, ठीक है। ये तो क्या हुआ है, हमने सेवन क्या हुआ है, रिपीट है, 18th का आंसर, ए और बी का मार्क जो तुम्हारी इच्छा है तुम ले लो, तुम एम वन एम टू ले लो ना लो कोई फर्क ना पड़ता है इसमें। इसका आंसर ही जीरो है, तुम जो मर्जी करते रहो। क्यों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं इन दोनों को उठा के यहां पे टूवर्ड्स कर दूं सेंटर ऑफ मास टूवर्ड्स आ जाएगा, फर्क नहीं पड़ रहा, पड़ेगा। चलो तुम इनिशियली एड्रेस्ड हो तो मैं धक्का मार देता हूं और सेंटर ऑफ मास हिला सकता हूं तुम्हें, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, म्यूचुअल ग्रेविटी की फोर्स इंटरनल फोर्सेज हैं, और हमने डेरिवेशन में भी किया था इंटरनल फोर्सेज से सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होता। तो कितना देखो, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों को सेंटर ऑफ मास दोनों का सेंटर में मान लो, दोनों को छोड़ दिया, दोनों अट्रैक्ट होंगे विद द सेम स्पीड, नोट करो ठीक, दोनों अट्रैक्ट होंगे, अब ऐसे अट्रैक्ट होंगे कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन विल रिमेन सेम, चेंज ही नहीं होगा कुछ भी। क्यों, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस बराबर हैं। देखो मैं मैथमेटिकली इस बात को प्रूव कर सकता हूँ, ध्यान आगे, मैथमेटिकली ऐसे प्रूव कर सकता हूँ, सपोज करो आपके पास एक मास है m1 और एक मास है m2, ग्रेविटी की न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लग गया और दोनों ने, मैंने जाके टच नहीं किया, अगर मैं टच करता मैं एक को पता नहीं कहाँ फेंकता, एक को कहाँ फेंकता, सेंटर मास पक्का चेंज हो जाता, पर मैंने तो टच नहीं किया, कोई ग्रेविटी की बस एक ग्रेविटी की फोर्स है जो जिससे ये अट्रैक्ट हो रहे हैं एफ एंड एफ बराबर, तो दोनों पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है मान लो इंटरनल। अब यहाँ पे इसने मूव करना शुरू किया विद ए वन रेस्ट से,
इसने मूव करना शुरू किया ए टू रेस्ट से, ठीक, तो फोर्स की वैल्यू इस पर क्या लगेगी, एम वन ए वन एम टू ए टू, ठीक है, दोनों पे फोर्स लगी। जो भारी मास है वो हल्की एक्सलेशन से मूव करेगा, जो हल्का है वो तेज़ मूव करेगा, लेकिन फोर्स दोनों पे इक्वल एंड ऑपोजिट लगेगी। सही है, यानी कि एम वन ए वन यहाँ पे मस्ट बी इक्वल टू एम टू ए टू, क्योंकि फोर्स इंटरनल है, एक दूसरे पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज हैं, तो एम वन ए वन एम टू ए टू के इक्वल होगा। स्टेप क्लियर है। अगर मैं एक्सलेशन से वेलोसिटी निकाल लूँ तो एम वन वी वन इक्वल टू एम टू वी टू, एक्सलेशन को वेलोसिटी बाय टाइम करके मैं यहाँ तक आ सकता हूँ, एम वन वी वन एम टू वी टू, मोमेंटम तो कॉन्स्टेंट हो गया, मोमेंटम तो कैंसिल ही हो गया, एम वन वी वन एम टू वी टू, क्योंकि नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। तो अब अगर कोई ये कहे कि इसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालो, मैं बोलूँगा एम वन वी वन प्लस माइनस एम टू वी टू, बिकॉज बोथ आर ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो देखो ये मैग्नीट्यूड इसके इक्वल मैं प्रूव कर चुका हूँ, तो नेट वेलोसिटी क्या आएगी, जीरो। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो यानी कि इंटरनल फोर्सेस से सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं आ सकता जब तक तुम जाके फोर्स ना लगाओ, और जब तक तुम नहीं फोर्स लगा रहे, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है, और जब लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है, अगर सिस्टम सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे पड़ा था तो बाद में भी रेस्ट पे ही पड़ा रहेगा, ये सेम क्वेश्चन है। पर ये मैथमेटिकल रूप ज़्यादा बढ़िया है वैसे मेरे हिसाब से, एग्जाम्पल के साथ ये बिल्कुल क्लियर दिखा रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, और ये भी दिखा रहा है कि अगर मासेज अनइक्वल है तो भी ऐसा ही होगा। सही है, ठीक। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, क्या लिखेंगे, बी, बॉडी के अंदर लाइक कर भी सकता है, बाहर भी कर सकता है, जैसे रिंग, रिंग का सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर है, उसके सेंटर पे है, ठीक, बॉडी के अंदर नहीं है। टू पार्टिकल, ये हमने किया हुआ है क्लास में, ये सेम क्वेश्चन है, सी सर्कल स्ट्रेट लाइन वाला क्वेश्चन है, तो वो हमने किया था ना कि दो पार्टिकल इक्वल मास है, एक मास m है और दूसरा मास m है, तो v1 वेक्टर आपको पता है, v2 वेक्टर आपको पता है, तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकलेगा m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर बाय m1 प्लस m2 से। तो पहला मास m है और वेलोसिटी वेक्टर 4i कैप है, और दूसरा मास भी m है और 4j कैप है, डिवाइडेड बाय m प्लस m है। सॉल्व करेंगे तो एम 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 कैंसल, तो आंसर आएगा 2 × i कैप + j कैप। ये लो, ये आ गया वी सेंटर ऑफ मास वेक्टर। उसी तरीके से एक्सेलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर क्या होगा, m × एक एक्सेलेशन कितनी है इसमें, एक्सेलेशन की वैल्यू है 5 i कैप + j कैप, और दूसरा पार्टिकल की एक्सेलेशन है ही नहीं, डिवाइडेड बाई एम प्लस एम, तो एक्सेलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आएगी 5/2 i कैप + j कैप। तो मैंने कहा था वेलोसिटी i कैप + j कैप, एक्सेलेशन i कैप + j कैप है, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, और अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 90 आता, जीरो आता, तो दोनों आपस में 90 डिग्री पे होते, तो इसका मतलब सर्कल। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ, क्या लॉजिक है इसका, किया था बुकलेट के अंदर, ये सॉल्व प्रॉब्लम है, वहीं से शायद दिखाई थी मैंने फर्स्ट लेक्चर में, कि अगर सेम डायरेक्शन है तो स्ट्रेट लाइन मार्क करना है, यही क्वेश्चन था वो, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट 21 का आंसर क्या है,
बी तो बिल्कुल भी नहीं है, सी है। देखो हमने एक क्वेश्चन लास्ट टाइम किया था, मैंने प्रूफ भी लिखवाया था कि M1 है और ये M2 है और ये इनका सेंटर ऑफ मास है। अगर M1 को मैं अंदर की तरफ ले आऊं बाय अ डिस्टेंस ऑफ डी, तो बताओ इसको कितना पुश करना पड़ेगा ताकि सेंटर ऑफ मास यहाँ का यहीं रहे। M1 इंटू डी मस्ट बी इक्वल टू M2 इंटू डी डैश, तो डी डैश की वैल्यू क्या आएगी, M1 इंटू डी डिवाइडेड बाई M2। आंसर ये मैंने करवाया था, प्रूफ भी लिखवाया था आपकी कॉपी में से कैसे करना था, इस क्वेश्चन के लिए तो करवाया था, यहाँ टाइम बचेगा इसलिए। समझ में आ रहा है यहाँ तक? नेक्स्ट है, इसका आंसर क्या है, सी। M1 पता है, M2 पता है, V1 वेक्टर पता है, V2 वेक्टर पता है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर बाय M1 प्लस M2, तो हो जाएगा सॉल्व ये M1 V1 वेक्टर M2 V2 वेक्टर बाय M1 प्लस M2, सॉल्व कर लेना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये होल कैविटी वाला आज क्वेश्चन करवाया मैंने, होल कर दो और काट के फेंक दो, आज वाला फॉर्मूला लगेगा A1X1 माइनस A2X2 बाई A1 माइनस A2 वाला, एरिया निकालने पड़ेंगे। तो एक सर्कल डिस्क लेते हैं, तो रेडियस इसका 6 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। अब इसमें से क्या किया, एक होल को काट दिया जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, सेंटर ऑफ द होल 3 सेंटीमीटर करो यहाँ सेंटीमीटर है, तो ये बड़े डिस्क का सेंटर है, छोटे डिस्क का सेंटर यहाँ से 3 सेंटीमीटर दूर है, तो जो छोटी डिस्क है वो 1 सेंटीमीटर की है, तो ये जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है, छोटे डिस्क का रेडियस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर है, ऐसे ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर दूर सेंटर है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा ठीक है। तो आपको ये बताना है कि सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो गया, तो पहले निकालेंगे बड़ी डिस्क का एरिया पाई इंटू 6 का स्क्वायर, तो बड़ी डिस्क का ये एरिया है, फिर निकलेगा कटी हुई डिस्क का एरिया, कटी हुई डिस्क का रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर, तो पाई इंटू 1 का स्क्वायर, ये आ गया। बड़ी डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर पे था, तो बड़ी डिस्क का सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्स का क्या है 0, छोटे डिस्क का सेंटर ये रहा, तो यहां से यहां की दूरी क्या है 3, तो ये कोऑर्डिनेट क्या आएगा 3, 0, 3 सेंटीमीटर पे सेंटर दूर है, तो यहां पर क्या आएगा X2 की जगह 3, तो एक्स सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कितनी चेंज हुई, A1 इंटू X1 माइनस A2 इंटू X2 बाय A1 माइनस A2, चेक करो क्या आंसर आ रहा है, A आ रहा है क्या,
ए आएगा। समझ में आ रहा है कि कैसे यूज करना है कॉन्सेप्ट? बहुत बढ़िया शॉर्टकट है ये, क्लियर है? तो सब्जेक्टिव में यूज कर सकते हैं ना।